तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डेविल स्पीड में। दोस्तों मैं आपका भाई हरीश, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी लोकेशन पे। ये लोकेशन है कब्रिस्तान की है, जो कि काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है अंग्रेज़ों के टाइम का। पर शहरीकरण होने की वजह से, मतलब जैसे कि कुछ गांव दब जाते हैं या कुछ चीज़ें ढक जाती हैं जंगलों में, ये वो चीज़ हो गई है। यहाँ पर कब्रिस्तान था, पर ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा कब्रिस्तान था, पर है बहुत पुराना ये। और जितना पुराना कब्रिस्तान है उतना ही ज़्यादा खतरनाक कब्रिस्तान है ये। यहाँ पर हमने एक दो बार पहले भी आ चुके हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक एक्टिविटी होती है। जिनको नहीं पता होगा, वीडियो के ऊपर एक बटन का लिंक आएगा, वहाँ क्लिक करके आप वीडियो देख लेना यहाँ पे क्या क्या होता है। बाकी बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे। दो तीन बार चीज़ें हमने खुद देखी हैं, हमारी अपनी ही शक्ल में हमने सामने खड़ी हुई चीज़ भी देखी है। इतना खतरनाक है कब्रिस्तान, सामने ही चीज़ आपके खड़ी हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, अचानक देखोगे पीछे खड़ी होगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, और यहाँ पर इतना ये खतरनाक है कि अब यहाँ पर कोई आता नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई आना चाहता है। इसलिए हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कैप्चर होती है। और ये थोड़ा जंगल के अंदर घुस गया, पीछे आपको दिख रहा होगा कैमरे में, अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी बैक कैमरा ऑन करूँगा तो दोस्तों उसमें आपको पता लगेगा। इसलिए लोकेशन है गया, यहाँ पे अभी भी कुछ कब्रें हैं जो कि जंगल के अंदर हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा। तो जो भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है डेविल स्पिरिट ऑफिशियल, फेसबुक पेज है द डेविल स्पिरिट, जरूर फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ये मैं जा रहा हूँ अभी जंगल के अंदर, मेरे को लगा जैसे मेरे को किसी ने अभी टच किया, क्योंकि कब्रिस्तान बिल्कुल पीछे ही है मेरे, ऐसे बिल्कुल उंगलियां फील हुई जैसे किसी ने पेट में हाथ रखा हो। बाकी अगर आपको कहीं कैमरे में कुछ भी दिखे तो आप नीचे कमेंट कर देना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लोकेशन है, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लोकेशन के अंदर, ये कब्रिस्तान की। जिसको नई वीडियो देखी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन का लिंक आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के लिंक, जुड़े रहना वीडियो में। अभी मैं कब्रिस्तान के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, तो चलते हैं आगे, मिलते हैं आगे। भाइयों ये मैं आ चुका हूँ उस जंगल में, ठीक है। ये है अंदर जाने का रास्ता, आपको जंगल के अंदर जाने का रास्ता देख के पता लग जाएगा कि ये जगह आप कितनी यूज़ होती है। बल्कि अब यहाँ पे बिल्कुल कोई आता ही नहीं है, इसलिए ये जंगल ऐसी बन चुकी है। देख लो जंगल ही जंगल है हर तरफ, पेड़ है ये बहुत बड़ा। बाकी यहाँ की जो मेन कवर है मैं आपको वो दिखाता हूँ, छोटी मोटी कवरें आपको दिख जाएंगी कैमरे के अंदर भी, फोकस आउट हो रहा है। तो ये छोटी मोटी कवरें भी है, और ये यहाँ की मेन कवर बताई जाती है। यहाँ पर एक बड़ी कवर है, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत तगड़ी स्टोरी भी है कि यहाँ पर रात को एक औरत आती है अपने बेटे की कब्र पर मोमबत्ती लगाने। वो आपने वीडियो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी मैं लिंक दे दूंगा, वो भी देख लेना। बाकी ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है दोस्तों, अभी भी यहाँ पे कुछ कब्रें हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कैमरा फिट करूँगा, ठीक है। ओए कौन है, इतनी भी कोई तेज़ हवा नहीं चल रही है यहाँ पे कि इतने बड़े डाल हिल जाएँ। बाकी अभी यहाँ पर एक थोड़ी सी आवाज़ भी आई थी, कौन है। तो दोस्तों वो पीछे आपको मेन रोड भी कहीं ना कहीं चमक रहा होगा, क्योंकि ये मेन रोड के थोड़ा अंदर आके है, और ये बाकी आपको पता लग ही रहा होगा कि ये कोई मेन रोड नहीं है, ठीक है। ये है जंगल के अंदर, ओ भाई ये है जंगल के अंदर, ओ भाई। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आया ही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी शुरू होने लगी है, और यहाँ पर कैसे रात काटनी है वो मुझे ही पता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो कुत्ती तो ऐसे करता हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, मैं कैमरा फिट कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ कैमरा, ठीक है। पहले मैं देख रहा हूँ जहाँ का व्यू यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। ऐसे करता हूँ दोस्तों, मैं कैमरा लगाने के बाद, कैमरा लगाने के बाद ही आता हूँ, ठीक है। पहले मैं कैमरा सेट कर लूँ, फिर करते हैं बात। लाइट भी बंद होगी, लाइट बंद हो रही है भाई। तो कैमरा सेट करने के बाद दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, मिलते हैं आगे, जुड़े रहना वीडियो में। तो भाई वो कैमरा मैंने एक जगह पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब जो कुछ भी होगा कैमरे में कैप्चर करने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि कैमरा लग चुका है इस जगह पे, कैमरा घूमेगा नहीं, कैमरा फिट हो चुका है। बाकी ये कब्रिस्तान के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पर, ये मेन कब्र है, ठीक है। यहाँ पर इस कब्रिस्तान में हमने दो तीन बार पहले भी आ चुके हैं, यहाँ पर दो तीन वीडियो बना चुके हैं हम, एक कामाक्षी की और बाकी यहाँ पे एमिली नाम की कोई चीज़ थी उस टाइम पे, ठीक है। बाकी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन का लिंक आएगा, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख लेना आप। तो अभी मैं यहाँ पे अपना बिस्तर लगाऊंगा, चद्दर बिछाऊंगा, यहीं पे सोऊंगा इस मेन कब्र के पास। और यहाँ पे कौन है दोस्तों, ऐसे करता हूँ मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम होने से पहले पहले मैं यहाँ पे थोड़ा देर बिस्तर लगा लेता हूँ अपना, फिर बात करते हैं, ठीक है, जुड़े रहना वीडियो में। वीडियो
पे अपनी चादर जो बिछा दी है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ है जो मुझे देख रही हो या सुन रही हो इस टाइम इस कब्रिस्तान के अंदर, तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकने आया हूँ, यहाँ पे बैठने आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ थोड़ी देर के लिए। पैरों की कहाँ से पैरों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कुछ दिखे, कौन है देखिए, यहाँ पे अगर कोई चीज़ है जो मुझे देख रही हो या सुन रही हो, देखिए मेरा नाम हरीश है, मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, जैसे कि आपको पता होगा जो अभी यहाँ पे है कोई तो है। भाई यार दो तीन आवाज़ें आई हैं, ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल पास से चल रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आई हैं और एक आधी आवाज़ें है जिसमें हूँ ऐसे कुछ। देखिए मेरा नाम हरीश है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकने आया हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ? किसी भी तरह कोई भी रिप्लाई, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी एक्टिविटी आप करके दिखा सकते हो, बता सकते हो, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ? ठीक है, इसको मैं आपका एक इशारा समझूंगा, मैं यहाँ पर थोड़ी देर की कौन है वो भी? तो ऐसे करता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ी देर यहाँ पे लेटता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेटने की बात हुई है कि यहाँ पे मैं आके सोऊंगा, ठीक है, कब्रिस्तान के अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेट रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है वीडियो में, तो जुड़े रहना वीडियो में। छोटी मोटी हलचल हो रही है दोस्तों, पता नहीं कैमरे में कैसे हुई है नहीं हुई, पर बिल्कुल पास से हलचल हो रही है। तो मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पे और देखूंगा, क्योंकि अभी तो अभी मैं आया ही हूँ, ठीक है।
कौन है यहाँ पे? देखिए अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो उस टाइम जो तो देख रही हो, क्या मुझे अपना नाम बता सकती है? मच्छर दोस्तों बहुत काट रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा जंगली एरिया है तो मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। बाकी यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे कोई यहाँ पे था इस टाइम, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ थी यहाँ पे इस टाइम, ऐसा फील हुआ मुझे। यहाँ पे जो कोई भी चीज़ है वो सामने आ सकती है, यहीं पर बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कोई चीज़ तो है जो आस पास घूम रही है भटक। देखिए कौन है यहाँ पे भाई, जगह का कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, ना मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाने आया, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, मैं यहाँ पे बिल्कुल खाली आता है। पैरों की आवाज़ आ रही है दोस्तों, क्योंकि पैरों की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल साफ नहीं, कैमरे में कैप्चर हुई होगी। अभी मुझे लगा एक इन्हीं को टच किया होगा। कौन है यहाँ पे? देखिए सामने आ सकते तो आइए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, कोई चीज़ है सामने नहीं आ रही है, फील हो रहा है कि कोई चीज़ मुझे टच कर रही है या कोई चीज़ आस पास घूम रही है, पर चीज़ वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पैरों की आवाज़ आ रही है बिल्कुल साफ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर सोने नहीं दे रही है।
ऐसे करता हूँ मैं यहाँ से लास्ट के बाद यहाँ पे थोड़ी देर और रुकूंगा मैं, उसके बाद मैं निकलूँगा दोस्तों। यहाँ पे अटैक हो रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर मैं यहाँ पे रुकूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँ। अगर वो चीज़ सामने आती तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से निकलूँगा। बस तो भाइयों मैं आ चुका हूँ लोकेशन के बाहर, अंदर जो कुछ भी था यार कौन है देखे, मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे जो कोई भी चीज़ है वो यहीं रहे, पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को ऐसे लग रहा है अभी भी कोई चीज़ पीछे है, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में उंगलियाँ वगैरह मेरे को जैसे पीठ पे किसी ने हाथ रखा हो, अभी भी मेरे को सेम वैसा ही फील हुआ यहाँ पे। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो का कर रहा हूँ एंड। ओ तेरी तो मैं यहाँ से फटाफट बाहर निकलता हूँ लोकेशन के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आपको अगली किसी हॉन्टेड लोकेशन पे, तब तक देखते रहो द डेविल स्पिरिट। गुड नाइट, राम राम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, ठीक है, मिलते हैं आपको बाय अगली लोकेशन पे, ठीक है, बाय बाय।